कुछ दिन पहले मुझे एक बुजुर्ग इंसान मिले थे। मैंने उनसे ऐसे पूछा कि सर आप कोरोना को लेके क्या सोचते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा जिंदगी 100 साल की है, कोरोना बस 15 दिन का, तो इन दिनों घर में रहो तो बहुत जिंदगी जी पाओगे। तो मैंने सोचा कि बात तो सही है, तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो, घर में रहो इन दिनों, तो बहुत जिंदगी जी पाओगे। जैसे कि अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। बाय द वे, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज बिलवर साहिल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बाहर की बातें बहुत सारी हो गई, अभी आते हैं मुद्दे की बात में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन दो हेलमेट के बारे में जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, मेड इन इंडिया हेलमेट्स। एक है स्टड्स, दूसरा है स्टीलबर्ट, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी ये दोनों जो मॉडल के हेलमेट्स हैं ये मैं बताने वाला हूँ अंडर 2000 रुपीज में। तो पहले आता है स्टड्स का ये थंडर D8 मॉडल जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों को बहुत काम में आने वाली है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हेलमेट है। अभी क्या है, इसमें इस बजट में जो ये फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ज़्यादातर मैंने देखा है जो हाई रेंज हेलमेट्स होते हैं या जो ब्रांडेड हेलमेट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। पहले बात करते हैं इसके प्राइस रेंज के ऊपर। 2000 प्राइस के अंदर ये हेलमेट आता है। मुझे ये हेलमेट पड़ा था 1800 रुपये। एंड ये हेलमेट के जो फीचर्स हैं वो बहुत कमाल के हैं। पहले बात करता हूँ इसके वाइजर के ऊपर। वाइजर है मिरर वाइजर जो बहुत ही कूल दिखने वाला ये वाइजर मॉडल है। एंड ये यहाँ पर लिखा है टैन प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप सपोज समर के टाइम राइड कर रहे हो तो धूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। एंड और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वाइजर है यहाँ पर लिखा है डे टाइम यूज़ ऑनली, तो मतलब अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो डे टाइम के लिए ये सही है, लेकिन रात के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये हेलमेट लेने के बाद अगर आपको प्लेन वाइजर जो वाइट वाइजर होता है वो लेना चाहते हो तो आपके स्टड्स के जो डीलर होते हैं उनके पास या कोई हेलमेट के शॉप में भी आपको मिल जाएंगे स्टड्स के। ये हेलमेट मेड इन इंडिया है इसलिए हर जगह आपको इंडिया के हर एक लोकेशन में आपको ये इसके पार्ट्स, इसके जो लाइनर्स, इसके वाइजर सब मिल जाएंगे। इसका जो वाइजर आपको प्लेन में मिलेगा वो 210 रुपये से आपको इजीली आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके पहले जो ये वेंट्स हैं, तो चीन में ये वेंट्स दिए गए हैं जो बहुत अच्छी बात है। तो इस वेंट्स के दौरान आपको यहाँ पर जो ईयर पास होगा उसके दौरान अगर आपका वाइजर लॉक भी हो तो अंदर आपको कोई फॉग का इशू नहीं होगा। अभी बात करते हैं इसके ऊपर की ये जो वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे ये ओपन एंड क्लोज वाले वेंट्स हैं जो यहाँ से अगर आप समर के टाइम राइड कर रहे हो लॉन्ग टर्म में तो इसके ऊपर जो ये वेंट्स हैं इसके दौरान आपके हेलमेट के अंदर हीट प्रोवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके बाहर है आपके एग्जिट जो वेंट्स हैं वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपके जो एयर है तो अंदर में जो वेंटिलेशन होता है वो बाहर आराम से निकल जाएगा। तो अभी बात करते हैं ये हेलमेट है ISI मार्क, तो ये आपको पूरा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो सेफ्टी के अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा सेफ है, एज अ राइडर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे पर्सनली लगा। अभी बात करते हैं इसके जो लाइनर है उसके ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोगों के मैंने रिव्यूज सुने थे एंड मैंने पर्सनली इन चीज़ों को स्टडी किया है कि बहुत सारे पहले जो स्टड्स के मॉडल थे उसमें क्या होता था कि पैडिंग्स बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत पतले थे, यह कि जॉ लाइंस के जो पैडिंग्स होते थे बहुत पतले होते हैं जो बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन अभी D8 में जो एक परफेक्ट लाइनर यहाँ पर दिया गया है वो है ये वाला लाइनर जो बहुत ज़्यादा इसके कुशन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये रिमूवेबल है जिसके दौरान अगर ये अगर गंदा हो गया तो आप इसे खोल के वॉश भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये स्पेसिफिक मुझे लगा ये। एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है, यहाँ पर दिया गया है ये चिंक क्लोथ जिसके दौरान आपके यहाँ पर कोई राइड के दौरान कोई इंसेक्ट या अनवांटेड जो नॉइज़ है वो अंदर नहीं आ पाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम ब्लॉग शूट करते हैं माइक यहाँ पर अंदर रहता है, विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत काम की चीज़ है। अभी क्या है कि
ये जो लाइनर मैंने ये दिखाया आपको, ये ज्यादातर एक्सर एमटी बहुत सारे जो ब्रांडेड हेलमेट्स होते हैं या महंगे हेलमेट उनमें देखा जाता है, लेकिन 1800 रुपए के अंदर ये जो स्टड्स का ये जो बेसिक हेलमेट है उसमें ये बात मुझे देख के बहुत हैरानी हुई कि इतने अंदर बजट के अंदर अगर ये हेलमेट में अगर ये चीज़ें दी गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी बात करते हैं इसके लॉक के ऊपर। लॉक ये बहुत अच्छा सा एक लॉक है एंड बहुत ही सेफ्टी है। क्या होता है, ज़्यादातर मैंने केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंट के दौरान ये जो लॉक है टूट जाता है, लेकिन स्टड्स में ऐसा एक लॉक दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मुझे प्रोवाइड, तो देख के मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैं इस हेलमेट को आपको पहन के दिखाऊंगा कि इसका फिटिंग कैसा आता है। तो जैसे कि मुझे ये पहन के बहुत ही अंदर एक बहुत सेफ फील आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो चिन के ये वाला हाथ में जो ये कुशन्स है, ये लाइनर है, बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि बेसिकली यही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एंड अभी मैं इसे अगर लॉक कर दूँ ऐसे, तो आप यहाँ से ये वाला लुक देख पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा कूल दिखने वाला एक फाइजर है। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो बहुत ज्यादा कूल है ये वाला हेलमेट। एंड पर्सनली मुझे ये वाला हेलमेट बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड इस प्राइस रेंज के अंदर ये वाला हेलमेट बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन में जरूर मिल जाएगा। अगर मुझे लिंक मिला तो मैं ऑब्वियसली आपको दे दूंगा। और एक बात, अगर आप इसके वाइजर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एक की है, इसे प्रेस करोगे तो ये बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा, आप वाइजर चेंज कर पाओगे। इसमें आपको ना आपको शॉप पे ले जाना पड़ेगा या कोई टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बस इस की को प्रेस करोगे एंड ये वाइजर निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका दिया गया है, बहुत सारे फीचर्स हैं इनके अंदर। इस बजट रेंज के अंदर 1800 रुपये में ऐसा हेलमेट बहुत ही बेहतरीन है। सो गाइस अभी बात करते हैं मेरे इस हेलमेट के ऊपर। जो है स्टीलवर्ट का R2K मॉडल एंड ये मैंने पिछले 6 महीनों से इसको रफ एंड टफ यूज कर रहा हूँ एंड सीरियसली इसके जो रिव्यूज हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं इसे खुद 6 महीने से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ये तो मैंने हाल ही में ये मैंने लिया है एंड इसके जो क्वालिटी है ये तो अलग ही है, लेकिन ये वाला जो जब ये निकला था ये मॉडल, तब से लेकर अभी तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो इसके जो थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप लगे हुए हैं, तो इसे मैंने अभी नहीं खोला, क्योंकि मैं इसे खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये सेटअप बना हुआ है, फिर से मैं खोलूँगा। तो इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो है इसके ये जो इंटरकॉम मैंने लगाया, क्योंकि अगर आप राइड कर रहे हो तो आपको इंटरकॉम की ज़रूरत होगी, तो ये लगाने के फीचर्स इसमें हैं। तो अगर आप इसके अंडर जो ये माइक्स होते हैं एंड ये जो स्पीकर्स होते हैं वो लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती, वैसे बहुत ही ईजी होता है। एंड इसके जो वेंटिलेटर्स है एंड इसके भी सेम है, इसके ऊपर भी इसके थोड़े लुक्स अलग हैं लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। इसके ऊपर जो मेकानिज़म इसके अंदर काम होता है वो बाकी सेम ही है। इसके ऊपर भी ओपन एंड क्लोज वेंस है एंड ये जो जो एग्जिट वेंस है सेम है। इसके यहाँ पर भी था ये जो चिन जो वेंस था, लेकिन मैंने इसको वो जो ये सेटअप की वजह से ये कवर हो चुका है। एंड अभी बात करते हैं इसके कलर के ऊपर, यानी ये जो कलर एंड शेप है, ये शेप तो बहुत ही कॉमन शेप है, बहुत फेमस स्टील वर्ड का है, बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में चलने वाला एक हेलमेट है, वन ऑफ द हेलमेट। अभी इसके जो कलर्स हैं, इसके बहुत सारे आपको ग्राफिक्स में मैट में बहुत सारे कलर वेरियंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके जो कलर वेरियंट्स हैं इसके शायद तीन शायद दो टाइप के मैंने देखा था, मैट फिनिश में दो ग्लॉसी। ग्लॉसी में मैंने इसको चूज़ किया है, इसमें आपको ये जो क्या होता है ग्रे ऑरेंज पिंक नियॉन ब्लू इस शेड में होता है, और एक है जो BMW का कलर होता है रेड वाइट एंड ब्लू, उस शेड में है, वो भी ज़्यादा बहुत यूनिक था, मैंने इसको लिया है, बहुत ही बेहतरीन।
एंड इसके ऊपर आपको मैट फिनिश्ड एंड जो ग्राफिक्स है उसके ऊपर भी बहुत सारे लुक्स मिल जाएंगे। एंड इसके जो वाइजर्स हैं आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप मार्केट में ले सकते हो, मिरर ले सकते हो, ब्लैक वाइट सारे वेरियंट्स आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बजट, ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। इसका प्राइस रेंज मुझे पड़ा था 1900 रुपये, थोड़ा 19 भी हो सकता है, लेकिन 2000 के रेंज में ये दोनों हेलमेट बहुत ही बढ़िया है। एंड पर्सनली मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए मुझे पता था इसके बारे में। तो बस इतना ही है। इसके जो फ्लॉज अगर मैं बात करूँ तो इसके पैडिंग, इसके जो इनर्स हैं तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने चिन को, लेकिन ये वाला यहाँ पर चिन में कोई पैडिंग नहीं है, तो ये बात मुझे थोड़ी यहाँ पर थोड़ी बुरी लगी। लेकिन जिस टाइम पे मैंने इसको लिया था तब उतने इस चीज़ों को ज़्यादा मतलब नज़रअंदाज करते थे लोग, लेकिन अभी हाल ही में ये नज़र में आया है क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग इन चलते बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो मैंने इस चीज़ों को मैंने खुद जाना कि यहाँ पर अगर होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पर पैडिंग थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है, चलता है, कोई नहीं। इस बजट ट्रेन में ये वाला हेलमेट बहुत ही बवाल है कह सकते हो ऐसे। तो बस इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा इस दो हेलमेट में मुझे तो नहीं लगता कि बातचीत करने में और कुछ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा हेलमेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट, माय लव फ्रेंड्स, शावा खैर, बाय बाय।